अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा। संबल पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग के 5 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 28 चोरी की बाइक, 3 अवैध तमंचा, 6 जिंदा कारतूस व कटी हुई बाइक के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। SP ने किया मामले का खुलासा। जनपद संबल के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि संबल कोतवाली पुलिस चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर MGM डिग्री कॉलेज के सामने बहजोई रोड से चोरी की 2 बाइक, अवैध शस्त्रों के 4 अभियुक्त कमल, तनवीर उर्फ गुल्लू, पंचम व शाहीन को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर प्रथमा बैंक के सामने भूखन आरती के गैराज में छुपाकर रखी गई चोरी की 26 बाइक और बरामद की गई है। वह गैराज की रखवाली कर रहे 5वां अभियुक्त उमेश को भी गिरफ्तार किया गया है, जहाँ से एक बाइक के कटे हुए पार्ट्स, 4 अवैध तमंचा, 6 जिंदा कारतूस व 1 चाकू भी बरामद किया गया है। SP ने बताया कि पूछताछ करने पर इन अभियुक्तों ने कबूला है कि ये दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद व नोएडा आदि जनपदों में अस्पतालों, मॉल, रेलवे स्टेशनों, बैंकों के आसपास भीलवाड़ा वाले स्थानों पर निगरानी रखते हैं और मौका पाकर चाबी मिलाकर वह लोग को तोड़कर बाइक चुरा लेते थे। अन्य जनपदों में फर्जी नंबर प्लेट फर्जी लगाकर बाइकों 15,000 से 20,000 में बेच देते थे। इन 5 अभियुक्तों पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। बाइक चोरों की वारदातों पर अंकुश लगेगा। जनपद संबल में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कल MGM कॉलेज संभल के पास से 2 मोटरसाइकिल के साथ में 4 अपराधी पकड़े गए। इनकी निशानदेही पे प्रथमा बैंक के सामने भूखन आरती के गैराज से छिपा करके रखे गए, वहाँ पे 26 मोटरसाइकिल बरामद किए गए और वहाँ से एक व्यक्ति जो उसकी रखवाली कर रहा था वो भी बरामद हुआ है। और इन सभी के खिलाफ जो हम ये 6 अपराधी पकड़े गए हैं, इन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। 28 मोटरसाइकिल और 3 तमंचा, 6 कारतूस बरामद किए गए इनके कब्जे से। और ये सभी 7 चोर थे, लगातार जगह जगह से बाइक उठाते थे, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली से, अमरोहा से, और ले जाके दूसरे जनपदों में 15,000-20,000 रुपए में उसको चेंज करके उसका नेम प्लेट, उसकी बॉडी, उसकी चेचिस सब चेंज करके बेच देते थे। लगातार इस तरीके से गिरोह सक्रिय रूप से इस क्षेत्र में काम कर रहा था और व्हीकल चोरी का जो नेक्सस बना हुआ था, लगातार लोगों को समस्या हो रही थी, अब उसका पटाक्षेप होगा।